नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष अरोरा है और मैं एक लेखक हूँ। अगर आपने मेरी डेब्यू फिक्शन सनशाइन टाउन को अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर पढ़ें। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज मैं आपके समक्ष द स्ट्रेंज मैन का पांचवा और आखिरी भाग लेके उपस्थित हुआ हूँ। लगभग 2 से 3 हफ्ते तक ठीक से सो नहीं पाया था। दिन रात बस यही चिंता लगी रहती थी कि कॉलेज तो कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे की लाइफ का क्या होगा। मैंने कई इंटरव्यू दिए थे बहुत सारी कंपनियों में प्लेसमेंट सेशन के दौरान। बस एक ही ऐसी कंपनी थी जहां पर फाइनल राउंड तक पहुंचने का मौका मिला था, और रिसेशन के कारण वो भी अपॉर्चुनिटी अब ना के बराबर प्रतीत होने लगी थी। करियर की चिंता इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कई रातों तक नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज एंड्योरिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट एंड पेनफुल फेज ऑफ माई लाइफ एंड इट लेड टू डाउटिंग माई ओन केपेबिलिटीज। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 हफ्ते, समय की गति अचानक तेज हो गई थी। एंड विथ ईच पासिंग डे द इंटेंसिटी ऑफ माई होप हैड स्टार्टेड टू रिड्यूस, बट समहाउ I held myself and I spoke to my mind every day. It's okay. I'll get through this. I'll get to where I'm supposed to. I had been telling myself not to lose hope and hang in there. But जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मेरे अंदर कुछ कम होता जा रहा था। जब 2 से 3 हफ्ते तक नींद नहीं आई और तबीयत बिगड़ने लगी तो पिताजी ने कहा कि बेटा प्रयाग, अपने घर पे आ जाओ कुछ दिनों के लिए, साथ में बैठकर सोचेंगे नेक्स्ट स्टेप के बारे में। थोड़ा मन हल्का हुआ घर में बात करके, एंड आई डिसाइडेड टू ट्रैवल बैक होम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। देयर वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट दिस टाइम अराउंड, नॉट द नॉर्मल काइंड, समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट। आई हैड नो ट्रेन रिजर्वेशन, सो आई डिसाइडेड आई विल ट्रैवल विद व्हाटएवर मींस आई विल गेट। And with a couple of thousand rupees in my pocket, I decided to go to Bhopal from Indore by bus, and then from Bhopal to Prayag via Lucknow by train. घर पहुंचकर जब पिताजी ने फाइनल इंटरव्यू की जानकारी दी तो उस क्षण उस व्यक्ति की बहुत याद आई जिसने ट्रेन में मुझसे ये कहा था कि मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं। I deliberated over my conversation with him deeply that night at home. I thought and replayed every frame in my mind, trying to squeeze clues out of his words. Sab kuch ek sapne ke jaisa lagne laga tha. The train journey, meeting with the guy, stretching my hands, gazing at the envelope on my palms, and enduring a very different kind of strange sensation in my hand. उस रात घर में काफ़ी अच्छी नींद आई, पर सुबह 5 बजे उठना पड़ा। 7 बजे के आसपास मैं प्रयाग रेलवे स्टेशन पर पापा के साथ पहुंच गया, और सुबह 9 बजे के आसपास एक समर स्पेशल ट्रेन में बैठ गया। 22 घंटे की जर्नी थी और काफ़ी अच्छा फील कर रहा था मैं। आई हैड समथिंग वेरी पॉजिटिव टू लुक फॉरवर्ड टू। पूरी जर्नी के दौरान मेरी आंखें उस व्यक्ति को खोजती रहीं। कई बार ऐसा लगा कि बस अभी वो स्टेशन पर वॉक करता हुआ दिख जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आई न्यू इट फॉर श्योर दैट नो वन वुड बिलीव मी, बट विद इन माई सेल्फ आई न्यू आई वुड नेवर फॉरगेट हिम इन माई लाइफ। और शायद इसीलिए आज आपको उस व्यक्ति के बारे में इतने सालों के बाद पता चल रहा है। इंदौर पहुंचकर मैंने फाइनल इंटरव्यू की तैयारी चालू कर दी, और 2 हफ्ते के बाद बड़ौदा में मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ। जब वापस इंदौर पहुंचकर उस इंटरव्यू की जानकारी मैंने अपने मेंटर मिस्टर दलाल को दी तो उन्होंने ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी कि मुझे ये जॉब मिल चुकी है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट की घोषणा हुई और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया।
घर में सब लोग बहुत खुश हुए एंड आई वॉज ऑल्सो स्ट्रेस फ्री नाउ बिकॉज इन माई लाइफ आई हैड अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड माई करियर हैड स्टार्टेड ऑन द राइट नोट। इंदौर में जिस घर में मैं रहता था उस घर के ठीक सामने एक चाय और पोहे की दुकान थी जहाँ पर दोस्तों के साथ बहुत टाइम बीतता था। पर उस दिन मैं अकेला बैठा था शाम को, सामने की मेज़ पर चाय का ग्लास और उसके साइड में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर रखा हुआ था। मैं बस यही सोच रहा था कि जीवन में हर प्रकार के लोग मिलते हैं, कुछ साथ चलते रहते हैं और कुछ क्षण भर मात्र के लिए आते हैं पर बड़ा ही विलक्षण प्रभाव छोड़ जाते हैं जीवन पर। आई न्यू समथिंग हैड चेंज्ड इन मी, नॉट दैट एनीवन कुड नोटिस इट फ्रॉम द आउटसाइड, बट विद इन आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन। आई somehow felt that way. सर, चाय ठंडी हो रही है, अब किसका इंतजार कर रहे हैं आप? चाय वाले ने मुस्कुराते हुए मुझसे बोला। The glint in his eyes for a fleeting moment pulled me back in time, but I knew it was my past now and life would never be the same again. Life would always look for him and the train journeys would never be the same again. इस एक्सपीरियंस को बहुत साल बीत चुके हैं और कभी कभी मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ माई ओन इमेजिनेशन, बट माई माइंड नोज इट दैट इट्स नॉट। आई ऑल्सो बिलीव आई हैव बीन वेरी लकी एंड व्हेन आई नीडेड हेल्प सपोर्ट और सम काइंड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन इन माई लाइफ समवन अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर एंड एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड। और इस वाक्य के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे एक्सपीरियंसेस को सुनकर अच्छा लग रहा होगा। डू लाइक, शेयर एंड ड्रॉप इन योर कमेंट्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।